नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार और फ्राइडे को तो हम लोग थोड़ा वैसे भी अंकों की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। और इस समय तो जहां जाइए यही कि भाई 400 पार की, 200 के अंदर की, 150 के अंदर, इस तरह की बातें हो रही हैं। अब तो मोदी जी खुद ही बार बार बोल रहे हैं कि 400 पार तो मतलब मैंने क्या एक ऐसी गुगली फेंकी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, ज्यादा सीरियस इशू पे मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, और आज मैं फिर से आपको उस गणित पे ले चलूंगा कितनी स्टेट, कितने कहां से कितनी सीटें, और कितनी सीटें मेरे हिसाब से एस्टिमेटेड है बीजेपी की, बीजेपी और एनडीए की। मैं उस बात को बार बार रिपीट करता हूं जिससे एक तरह से आप भी याद हो जाए। कुल भारत में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, तो ये है टोटल 36। उसमें अभी तक मैंने इसको, अब आज मैं थोड़ा इसका ट्रीटमेंट फर्क कर रहा हूं। उसका फर्क करने का कारण यह है कि जो फर्स्ट फेज में स्थिति थी, जो सेकंड थी, जो थर्ड थी, जो फोर्थ, फिफ्थ फेज के बाद एकदम से इस समय विपक्ष की, जिसको कहते हैं आंधी, अगर हवा नहीं तो मतलब अगर तूफान नहीं तो आंधी तो चली रही है, विपक्ष के पक्ष में बहुत सी चीजें हो रही हैं, और कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपना प्लॉट खो चुका है। मोदी जी सारे तरह से कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 10 साल में एक भी नहीं किया, मोदी जी हर चैनल पे जा जा के इंटरव्यू दे रहे हैं, वो अलग बात है कि वो बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि मोदी जी के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो वहीं पे नहीं, स्पॉन्टेनियस नहीं है, पहले से तैयारी है, पहले से बताया गया है, हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर भी लगा हो, और मोदी जी की इच्छा अनुसार वो इंटरव्यू हो रहा है। अब चूंकि आम काट के खाते हैं, आम चूस के खाते हैं, इस पर बड़ी बद्दगी हो गई थी, लेकिन प्रश्न उसी तरह के आसपास के आ रहे हैं सारे चैनल पे। मोदी जी अब घूम घूम के सारे चैनल पे कर रहे हैं, और हालांकि मेरे हिसाब से किसी भी चैनल की थोड़ा लेवल पे प्लेइंग फील्ड नहीं करते हैं, क्योंकि जो मेरी समझ थी, जो पुराने, अगर आपको याद हो पुराने जो इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स होते थे, उसके हिसाब से हर पार्टी को एक टाइम स्लॉट अलॉट होता था, और ये नहीं था कि जिसका जो मन है। अब यहाँ पे ये चैनल वाले केवल मोदी जी का इंटरव्यू चलाएंगे या बीजेपी का चलाएंगे, वो विपक्ष के किसी उसका इंटरव्यू नहीं चलाएंगे। मुझे आइडियल ये होता है, जैसे राहुल गांधी ने कहा है कि भाई मोदी जी और हमारी डिबेट हो जानी, मतलब सिविल सोसाइटी के लोगों ने सजेस्ट किया, राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया, तो अगर कुछ नहीं कर सकते तो मीडिया के लोग निष्पक्ष रहने के लिए मोदी जी का चलाइए दूसरे दिन राहुल गांधी का, या राहुल गांधी का पहले चला के दूसरे दिन मोदी जी का, थोड़ा तो रहता ना कि मोदी जी के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इस तरह की। खैर, वो तो होगा नहीं। तो इन 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, जिसको मैं कभी कभी स्टेट बोल दूंगा तो उसको ये मानिएगा कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश उसमें इंक्लूडेड है, 26 स्टेट में अभी तक चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो गया है। पूरी तरह से मतलब वहां पूरी प्रक्रिया, सारी सीटों पे चुनाव हो गए, और 10 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पे पार्शल चुनाव हुआ है या नहीं हुआ है, जैसे पंजाब में लास्ट फेज में हो रहा है, तो या तो पार्शल हुआ या नहीं हुआ। तो इसको मैंने दो कैटेगरीज में कर लिया है। तो पहले जो 26 स्टेट है जहां पे चुनाव हो गया है, वो मैं ऊपर से अगर आप देख लीजिए आपको सामने दिख जाएगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। इन 26 स्टेट में कुल सीटें होती हैं 310। ये मैं उसके सामने आपको दिखाता चला हूं, एक एक स्टेट का मैंने आपको दिखा दिया। और 2019 के इलेक्शन में एनडीए, मतलब बीजेपी प्लस बीजेपी के जो सहयोगी दल थे, उन्होंने कहां से कितनी सीटें जीती थी, वो ब्यौरा भी आपको इसी टेबल में मिल जा रहा है। तो जैसे, अच्छा, ये तो वो मिल जा रहा है। उसके बाद जो टेबल का जो लास्ट कॉलम है, उसमें इस बार क्या एस्टिमेशन है मेरा, मैंने 10 मई में भी बताया था आपको क्या एस्टिमेशन, मैं अभी फिर आपको बता रहा हूं कि क्या एस्टिमेशन है। वो 10 मई का मेरा, 16 अप्रैल का पहले देखिए, 16 अप्रैल को मेरा क्या एस्टिमेशन था, 10 मई को मेरा क्या एस्टिमेशन था, और आज जब मैं 24 मई को छठे फेज से एक दिन पहले इसको कर रहा हूं, तो मेरा क्या एस्टिमेशन है। करीब 14 दिन, 15 दिन हो चुके हैं।
तो आंध्र प्रदेश में जहां पूरे, अच्छा ये सारे, मैं पहले उनकी बात कर लूं जहां सारे चुनाव हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 25 में 25 सीट पर चुनाव हो चुके हैं। पिछली बार एनडीए का 3 सीटें थी, एनडीए जब मैं बोल रहा हूँ तो तेलुगु देशम की ही 3 सीटें थी, बीजेपी 0 था। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जगन रेड्डी के अगेंस्ट एक एंटी इनकम्बेंसी की जबरदस्त वेव है, अब उसका फायदा कांग्रेस को तो शायद हो नहीं पा रहा है। तो मैं तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू ही वहां पे हैं, हालांकि 25 में से 6 सीट पे ही बीजेपी लड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं कुल 15 सीटें दे रहा हूँ एनडीए के खाते में। जब मैं 15 सीटों की बात करता हूँ तो पिछली बार जब मैं 10 मई को कर रहा था तो उस समय 12 सीटें दी थी, मेरे हिसाब से 3 सीटें बढ़ गई हैं। फिर आ जाइए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पिछली बार 2 सीटें, कुल 2 सीटें हैं इलेक्शन, और ये मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, ये सारी वो जगह है जहां पे इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। 2 सीटें थी, 2 बीजेपी की थी, इस बार भी 2 बीजेपी को ही जा रहे हैं। असम में 14 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी की 9 थी, इस बार मेरे हिसाब से 7 होंगी, 2 सीटों का कम से कम नुकसान तो होगा ही। छत्तीसगढ़ में पिछली बार 11 में 9 थी, अब की 6 ही है। ये मेरा जो पिछली बार का है उससे आप देखेंगे तो मोर और लेस उसी के अगल बगल है, एक आध जैसे आंध्र प्रदेश को छोड़ दीजिए वहां पे फर्क है, कहीं कहीं फर्क है, लेकिन मोर और लेस पिछले ही उससे है। गोवा में 2 सीटें हैं कुल, एक बीजेपी की थी, एक रहेगी। गुजरात में 26 में 26 बीजेपी थी, इस बार मैंने कहा है कि कम से कम 2 सीटों का लॉस होगा, मैं उसको 24 सीट दे रहा हूँ। कुछ लोग इसको ज्यादा भी दे सकते हैं, मतलब बीजेपी को और कम कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 24 है। और ये सारी सीटें मैं ऑन हायर साइड दे रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में 4 बीजेपी थी, इस बार शायद एक ही जीतेगी। कर्नाटक में 28 में 26 बीजेपी थी, मेरे हिसाब से इस बार वो केवल 7 सीट जीतने जा रही है, उसको 21 सीट का वहां नुकसान हो रहा है। केरल में पिछली बार बीजेपी की 20 में एक भी सीट नहीं थी, इस बार भी मुझे जो मेरा अपना अनुमान है उसके अनुसार इस बार भी एक भी सीट बीजेपी की नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें बीजेपी की थी, इस बार 22 सीटें ही रहेंगी, मेरे हिसाब से पिछली बार के मुकाबले 6 सीटों का नुकसान। टोटल 29 में 7 सीटें कांग्रेस और 22 सीटें बीजेपी। महाराष्ट्र में 48 सीटें थी, एनडीए की 42 थी, इस बार मेरे हिसाब से एनडीए की सीटें घट के 18 हो रही है। मैं ऑन अ हायर साइड दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं डबल डिजिट भी नहीं पहुंचेगी, लेकिन मैं 18 सीटें फिर भी दे रहा हूँ। अजीत पवार की जो 14 सीटें उनको मिली है उसमें 0 ही मिलना है। शिंदे जी की जो 15 सीटें उनके हिस्से में आई हैं उसमें जो लोग इस्टिमेट कर रहे हैं कि 2 सीटें शायद शिंदे साहब को मिल जाए, और जो बाकी सीटों पे बीजेपी लड़ रही है क्योंकि उस पे उम्मीद ऐसी है, इसकी इसकी काफी उम्मीद है कि बीजेपी ही वहां जो कुछ सीटें पाएगी वो पाएगी, लेकिन बाकी किसी का वो सीट मिलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में 18 सीटें मैं मान रहा हूं कि एनडीए को मिलेंगी। मणिपुर में 2 सीटें हैं, पिछली बार 1 सीट मिली थी, मेरे हिसाब से इस बार मणिपुर में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए। मेघालय में 2 सीटें थी, कोई सीट नहीं थी, इस बार भी कोई सीट नहीं है। मिजोरम में 1 सीट थी, कोई सीट नहीं थी, इस बार भी कोई नहीं है। नागालैंड में 1 सीट थी, पिछली बार भी कोई सीट नहीं, इस बार भी कोई सीट नहीं। राजस्थान में 25 में 25 थी, इस बार मेरे ख्याल में 7 सीटों का नुकसान है, 18 सीटें ही बीजेपी की आ रही है। सिक्किम में 1 सीट है, कोई सीट नहीं थी, पिछली बार भी, इस बार भी नहीं। तमिलनाडु में 39 39 में 1 सीट AIADMK की थी, इस बार वो 1 सीट भी नहीं आ रही है एनडीए की, तो 39 में 0 सीटें हैं। तेलंगाना में 17 में 4 सीटें बीजेपी की थी, वहां एनडीए मतलब बीजेपी अकेले ही था, तो अब की 3 है, 1 सीट का नुकसान वहां हो रहा है बीजेपी को। त्रिपुरा में 2 थी, इस बार मैं मान रहा हूँ कि 2 इसको रिपीट करेगी बीजेपी, 2 में 2 रहेंगे। उत्तराखंड में 5 थी, मेरे हिसाब से 2 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को, 3 सीटें रहेंगी। अंडमान निकोबार में 1 में कोई नहीं थी, इस बार भी कोई नहीं रहेगी। दमन दादर नगर हवेली और दमन दीव में 1 सीट थी, इस बार भी 1 सीट ही रहेगी। लद्दाख में 1 सीट थी, वो बीजेपी की थी, इस बार वो बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी। लक्षद्वीप में 1 सीट थी, बीजेपी की कोई सीट नहीं थी, इस बार भी कोई नहीं रहेगी। पुदुचेरी में 1 सीट थी, कोई सीट बीजेपी की नहीं, इस बार भी नहीं रहेगी। तो कुल 310 सीटें जहां पे उन स्टेट 26 स्टेट में पूरा चुनाव हो गया है,
190 2019 में था। इस बार कितनी एस्टिमेटेड है ये मैंने आपको बता दिया है, टेबल में भी दे दिया है। कुल 130 सीटें एस्टिमेटेड हैं कि बीजेपी की इस बार कुल 130 सीटें, एनडीए की माफ कीजिएगा, इन 310 में 130 सीटें आ रही हैं। अब आ जाइए दूसरी जगह। दूसरा मतलब ये कि जो सीटों पे अब चुनाव होने, उन स्टेट में जहां या तो पार्शियल चुनाव हुए हैं या मतलब अभी सारे सीटों के फेजेस के चुनाव नहीं हुए हैं। बिहार में अब इसको मैंने दो का उसमें कर दिया, बिहार में 40 में से 24 सीट पे चुनाव हुए हैं, 16 पे बाकी हैं, तो मैंने उसी हिसाब से एस्टिमेट भी किया है। हरियाणा में 10 में किसी सीट पे चुनाव नहीं हुआ है, 10 में बाकी हैं। झारखंड में 14 में 7 में हुए हैं, 7 में बाकी हैं। उड़ीसा में 21 में 9 में हुए हैं, 12 में बाकी हैं। पंजाब में 13 में कहीं नहीं हुआ है, 13 बाकी हैं। यूपी में 80 में 53, 53 हो गए हैं, 27 बाकी हैं। वेस्ट बंगाल में 42, 42 में 25 हुए हैं, 17 बाकी हैं। चंडीगढ़ में 1 नहीं हुआ है। दिल्ली में 7 सीटों में कहीं चुनाव नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में 5 में 4 में हो गया है, 1 बाकी है। तो कुल जो सीटें हो रही हैं वो 233 सीटें हैं। तो पिछले फेज में 300 मतलब जहां कंप्लीट हो गया 310, इस बार 233। ये वो 10 राज्य हैं जहां पे चुनाव आंशिक रूप से हो गया या नहीं हुआ है। तो इसमें कुल सीटें 233। अभी तक फिफ्थ फेज में मैंने स्टेट वाइज बना दिया, आप खुद देख लीजिएगा, 122 सीटों पे चुनाव हो चुका है। और इसमें जो मेरा अनुमान है वो मैंने हर एक के आगे लिख दिया है। बिहार में जो 24 सीटों पे अभी तक चुनाव हुआ है, 12 सीटें बीजेपी, एनडीए अलायंस, माफ कीजिएगा, मैं एनडीए अलायंस को मिल जाएगा। हरियाणा में कोई चुनाव ही नहीं हुआ है। झारखंड में 7 सीटों पे चुनाव हुआ है, 3 बीजेपी को मिल जाना, मतलब एनडीए को मिल जानी चाहिए। उड़ीसा 9 सीटों पे चुनाव हुआ है, 4 एनडीए। पंजाब अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। यूपी में 80 में 53 सीटों पे चुनाव हो चुका है, 53। और मेरे हिसाब से मतलब ये सब मैं हायर साइड बोल रहा हूँ, बीजेपी की 33 सीटें इसमें बीजेपी को मैं दे रहा हूँ, 33 आउट ऑफ 53, 33। पांचवें फेज तक, छठे सातवें की अलग बात करेंगे। वेस्ट बंगाल में 42 में 25 में हो चुका है, बीजेपी को 10 सीटें मिल रही हैं, उस 25 में 10 मिल रही हैं। दिल्ली में अभी चुनाव नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में 5 में 4 हुआ है, एक ही सीट बीजेपी को मिल रही है। अब सिक्स्थ और सेवन्थ फेज इसी के आगे मैंने कर दिया है, जिससे आपको एक ही नजर में सब। सिक्स्थ और सेवन्थ फेज में बिहार में 16 सीटों पर चुनाव बाकी हैं, विपक्ष की आंधी चलनी शुरू हो गई है। आप सेंटिमेंट देख सकते हैं, लोग अब थोड़ा मुखर होके बोलने लगे हैं। बिहार की 16 सीटों में मेरे हिसाब से इस फेज में एनडीए को केवल 5 सीटें मिलेंगी। हरियाणा में 10 सीटों पे चुनाव होना बाकी है, 3 सीट अगर ले आ रही है एनडीए तो वो बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए। झारखंड में 7 सीटों में चुनाव होना बाकी है, 2 ही सीटें मिलने की उम्मीद है। उड़ीसा में 12 सीटों पे चुनाव होना बाकी है, और हायर साइड में 6 बोलाऊं कि 6 सीटें यहाँ पे इनको मिल रही है, क्योंकि 6 और पिछले उसमें 4, 10 सीटें टोटल मैं उड़ीसा में दे रहा हूँ। पिछली बार 8 ही थी, लेकिन मैं उसको बढ़ा के दे रहा हूँ क्योंकि बीजू जनता दल की इंटरनल बिकरिंग काफी कुछ है। पंजाब में 13 सीटों पर चुनाव है, कोई सीट बीजेपी को नहीं मिलनी है। उत्तर प्रदेश इंटरेस्टिंग है, 27 सीटों पर चुनाव बाकी है, और मेरे हिसाब से अगर 7 सीटें बीजेपी को मिल जा रही हैं तो ये एक बड़ा लैंडमार्क होगा इस 27 में। 53 में 33 मिल चुकी है, मिल जानी चाहिए इस 27 में, 7 से ज्यादा नहीं। वेस्ट बंगाल में पिछले चरण में 25 में 10 मिली थी, इस 17 में 4, क्योंकि वो जो उसका स्ट्रांग होल्ड था बीजेपी का, वहां से चुनाव इधर आ चुका है। नॉर्थ बंगाल 8 में 7 सीटें बीजेपी की थी, अब चुनाव वहां से निकल के अब साउथ और ईस्ट, साउथ और वेस्ट बंगाल में ज्यादा है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ में 1 सीट है, वो बीजेपी को नहीं इस बार, पिछली बार एक वो थी, वो इस बार नहीं मिलेगी। दिल्ली 7 सीटों पे चुनाव होना है, मेरे हिसाब से बीजेपी को 3 सीट मिलेगी, 4 सीट का नुकसान जरूर होगा। जम्मू कश्मीर में 1 सीट में उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो कुल जमा 111 सीट पे चुनाव होने बाकी हैं, उसमें से मेरे हिसाब से एनडीए को 30 सीटें मिल रही हैं। तो जो हो चुके हैं चुनाव इन 10 राज्यों में, वहां 63 प्लस 30 तो ये हो गया 93। ठीक है,
मैं ये फिगर्स आपके साथ इसलिए बार 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 इसको बताता चल रहा हूं कि फिफ्थ फेज के चुनाव में जो जो अभी तक के चुनाव हुए थे उसमें अगर आप इसी इसी टेबल को देखें, 233 में 122 सीटों में चुनाव हो चुका है, 111 में बाकी है, तो ये 233 हो गया। इन 122 सीटों में जहां चुनाव हो चुका है पार्टली, इन 10 ही राज्यों की बात कर रहा हूं, वहां पे 63 एस्टिमेट है मेरा कि 63 एनडीए को आएगी, और जो होने बाकी है वहां पे 30 आएगी, जहां 111 में 30 आएगी। अब बीजेपी की बुरी हालत होने जा रही है क्योंकि अब हवा बहुत तेज चल रही है। तो क्या हुआ, टेबल ए के अनुसार, जो टेबल ए हमारी थी उसके अनुसार बीजेपी को 130 सीटें मिलने का अनुमान है, और टेबल बी, इसको टेबल बी बोलेंगे, टेबल बी में 93 सीट्स, कुल 223 सीट। अब एनडीए की, अच्छा हाँ ये भी आपको एक पता होना चाहिए कि एनडीए की 2019 में कितनी सीटें थी, कुल 223 सीटें आ रही हैं। एनडीए की 2019 में बीजेपी की 303 सीट आई थी, एनडीए की 50 सीट आई थी, जब इनके साथ शिवसेना था, जनता दल यू था, अकाली दल था, ये सब लोग थे, तब इनकी 50 सीटें आई थी, तो कुल 353 सीट एनडीए की थी। अब मैं कह रहा हूं कि इस समय इनकी 223, पिछले एस्टिमेट जब मैं कर रहा था 10 मई का तो उसमें 224 थी, 223 है। लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी 200 का मार्क क्रॉस कर रही है। ये शायद 1 जून को मैं स्टेट वाइज, बहुत इस पर भी मैंने बताया है, स्टेट वाइज भी आपको दी, बीजेपी 200 का मार्क नहीं क्रॉस कर रही है, जो मेरा जितना ज्ञान है। और इसीलिए शायद मोदी जी का डेस्परेशन प्रशांत किशोर जी को भी ले आया गया है, सारे लोग ये हल्ला मचाना शुरू किए, नहीं जीत रहे जीत रहे जीत रहे। और इसमें एक और चीज हुई है, इसमें एक और चीज ये हुई है कि स्टॉक मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, पिछले 2 दिन में आप देखिए पैसा कैसे झुका जा रहा है, कहां से आ रहा है, ये अलग बात है, लेकिन स्टॉक मार्केट का जो सेंटिमेंट है उसको उठाया जा रहा है, भैया नहीं तो बिल्कुल बैठ जाएंगे लोग, ये कहेंगे कि नहीं तो स्टॉक मार्केट कम से कम ये दिखाओ कि अरे बोलो स्टॉक, और उसमें स्टोरीज भी चलनी शुरू हो गई कि स्टॉक मार्केट बहुत बुलिश है, क्योंकि उससे पहले फलोदी का ये सब आ रहा था सट्टा बाजार का कि बीजेपी की बुरी हालत है, तो उसको काउंटर करने के लिए स्टॉक मार्केट को उठाया जा रहा है। खैर मैं फिर से लास्ट में, एनडीए 223, बीजेपी विल नॉट क्रॉस 200, ये मेरा एस्टिमेट एज ऑन 24 मई 2024 को है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।